कुछ ऐसे तत्व हैं जो मेरे हाथ में, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जिसको आज मैं पब्लिकली आप सबके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ, सो दैट कि आप सबको भी पता चले और एनलाइटन किया जाए सबको कि इस पर जो हो रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर आज हम गवर्नमेंट की तरफ से जब मैं बात कर रहा हूँ जस्टिफाई नहीं हो रही चीज़ें जो वहाँ पर टोल लिया जा रहा है। शुरुआत करने के पहले मैं कुछ फ्लैशबैक पे जाना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि 19 जुलाई की जब मैं बात करूँ, 19 जुलाई को अगर आप देखें कि धरना, अगर मैं ब्रिज की बात करूँ जो कि दयालाचक और जो चढ़वाल के बीच का जो ब्रिज है वो क्लैप्स हुआ, बारिशें बहुत थी, मौसम ख़राब था और हैवी रेनफॉल कारण पूरा का पूरा ब्रिज क्लैप्स कर गया। उसके बाद जम्मू से कठुआ जो लोग जाना चाहते थे या जो लोग रेगुलर ट्रेवल करते थे या उस दौरान यात्रा भी चल रही थी, तो मानो एक जाम का मंजर पूरे नेशनल हाईवे पे देखने को मिला, क्योंकि बिल्कुल डाइवर्जन एक जो है पूरे रास्ते को किया गया। और अगर मैं बात करूं लौंडी मोड से गाड़ियां मुड़ना शुरू हुई, फिर चाहे जो इसमें एक्स्ट्रा पड़ता था थोड़ा सुन, काफ़ी जिद्दोजहद करना पड़ता है जब वो जाते हैं। एक तो वो सड़क बड़ी पतली है, अगर आप उस रूट पे जाइए बड़ी सड़क वो पतली है और उसमें टाइम भी बहुत लगता है, मानो कि कठुआ ही जाना हो तो लगभग 2 से 4 घंटे लग जाते हैं और कई बार उससे ज़्यादा भी, क्योंकि उसी पर आपकी पूरी हैवी ट्रैफिक भी चल रही है, पूरी छोटी गाड़ियाँ भी चल रही हैं और ऊपर से जो सड़क की जो दशा है इस समय वो भी देख रहे हैं कि वो जो बीआरओ की बॉर्डर की सड़क पर पूरा हमारा इस समय ट्रैफिक जो पूरी चल रही है। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा डॉक्यूमेंट आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ जहाँ पर, जिसकी तहत पर और जिसको एक मैं मिसाल बनाना चाहता हूँ कि जो एक एग्जांपल आप सबके सामने एक इंस्टेंस एक लाना चाहता हूँ कि सेम तरीके से अगर आप देखिए, सेम तरीके से अगर हम बात करें सोलन और परवानू की, जब मैं बात करता हूँ वहाँ पर भी सेम आपने देखा कि हिमाचल में क्या हालात बने और कितनी तबाही का मंजर है जो हिमाचल के पूरे लोगों ने देखा, हिमाचल प्रदेश के पूरे लोगों ने उसको विटनेस किया, जो आज भी कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है जूझ रहे हैं, हमारे भी लोग जूझ रहे हैं। आज हमारे लोग जब कठुआ तक ट्रेवल करते हैं, पठानकोट तक जाते हैं, तो बीच में सड़क की जो दशा है आप सब उसको भली भांति जानते हैं और सारे लोग उसमें आज निकल रहे हैं। पर आज मैं ऐसी चीज़ आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ कि सोलन में जब ये सोलन और परवानू की जब ये आपने देखा कि वहाँ पर भी पूरी हैवी रेनफॉल से सड़कें टूटी और बहुत तबाही का मज़ा हुआ वहाँ पर, वहाँ पर एक 5 अगस्त 2023 अगर मैं बात करूँ 5 अगस्त 2023 वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जो वहाँ के मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने एक ऑर्डर निकाला और जिसके तहत आज वो ऑर्डर की कॉपी मैं आप सबसे शेयर करूँगा, जिसके तहत उनके भी बीच में एक सनवारा टोल प्लाजा आता था, सोलन और परवानू की बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ पर अब आप देख ही रहे हैं यहाँ पर सरोवर का टोल प्लाजा है और टोल प्लाजा में टोल देना तभी है जब आपको सड़क साफ मिल रही है, आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल रही है, हाईवे आपको क्लियर मिल रहा है, आज जाम है, आज टूटी हुई दिशा है। वो ऑर्डर आज मैं आप सबके सामने प्रकाशित करना चाहता हूँ, इस ऑर्डर की कॉपी है जो क्लियर कट बोलती है कि वहाँ के सोलन के जो इस समय मौजूदा जो DM है उन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सेक्शन 34 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, वहाँ का नेशनल हाईवे 05 था, यहाँ का नेशनल हाईवे हम जिसकी बात कर रहे हैं वो 44 है, उन्होंने क्लियर कट एक ऑर्डर निकाला 5 अगस्त को और उसको सस्पेंड किया। आज मैं माननीय उपराज्यपाल जी श्री मनोज सिन्हा जी, आज मैं उनके बारे में थोड़ा बोलना भी चाहता हूँ कि आज इस पूरी कंडीशन के बाद मैं उनको एक मैं अपील करना चाहता हूँ और उनको कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा, अगर आप देखिए चेंज की जब हम बात करें, जम्मू कश्मीर एक पूरे बदलाव से समय निकल रहा है, पर मानिए मुझे लगता है कि माननीय राज्यपाल जी की नज़र में इसको टॉपिक को लाना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और आज मैं आपके सारे तमाम जितने भी चैनल इस समय मुझे कवर कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि सर उपराज्यपाल जी, अगर ये पावर्स वहाँ पर इस्तेमाल हो सकती हैं, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अगर ये पावर्स का इस्तेमाल करके 34 सेक्शन ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट को अगर आप बेस में रखकर अगर वो ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, तो ये जो सरोवर टोल प्लाजा है मुझे लगता है कि आपको इमीडिएटली इस पर इंटरवीन करना चाहिए और इसको सस्पेंड करना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि आज दस्तावेज हमारे हाथ में है
कानून 2005 अगर मैं आपके डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करूँ, ये ऑल ओवर इंडिया का, ये ऐसा नहीं है कि ये यहाँ लगा है और वहाँ पर यूटी में है, स्टेट में नहीं है, हर जगह ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की अगर आप बात करो 2005, डीएम को एम्पावर करता है, डीएम को एम्पावर करता है टू टेक द कॉल। बट अनफॉर्चुनेटली आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो हमारे डीएम हैं सांबा के, क्यों इसमें कॉल नहीं ले रहे और हमारे लोगों को इस परेशानी से निकलना पड़ रहा है। और लोगों की परेशानी जो है, मुझे लगता है कि कहीं पर हम लोग उसको जस्टिफाई भी नहीं कर रहे हैं अगर आज वहाँ पर टोल दिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ माननीय उपराज्यपाल जी, मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल आ रही होगी और मेरी अपील भी आपके तरफ मैं लाना चाहता हूँ कि इतने बड़े सुनहरे पल से पूरा जम्मू कश्मीर निकल रहा है, एक बदलाव जो कि मैं सामने देखता हूँ। जम्मू का रहने वाला हूँ, एक आम नागरिक की तरह बात करूँगा। जब मानो जब ब्रिज से भी निकलते हैं, आर्टिफिशियल लेक का काम चल रहा है, या तिरुपति बालाजी की बात करूँ, या अगर मैं सुचेतगढ़ बॉर्डर परेड की बात करूँ, या मैं अगर जम्बू जू की बात।